हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बोंडा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के खाने को मन करता है घर में बैठे बैठे, तो इसीलिए मैं ये आलू बोंडा का रेसिपी लेके आई हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बनाते हैं आलू बोंडा। तो फ्रेंड्स, आलू बोंडा बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, प्याज कटी हुई एक बड़ी साइज की, धनिया की पत्ती कटी हुई, मिर्ची कटी हुई बारीक, और यहाँ पर चॉप्ड किया हुआ अदरक, बाकी के मसाले इन सबको फ्राई करने समय दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरफ। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे सरसों की, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे जीरा, जीरा को पका लेंगे, उसके बाद कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और अदरक इन सब को भून लेंगे, दो मिनट तक भूनेंगे, बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो प्याज हमारी भून चुकी है, अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया है। और यहाँ पे हल्दी पाउडर, मिर्ची का पाउडर, फिर इन सबको फ्राई कर लेंगे लगभग एक मिनट तक। और फिर इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे, एक मिनट तक भून लेंगे फिर से, और फिर इसमें आलू ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। आलू के बड़े बड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और यहाँ पे मैश करने के लिए मैंने ये दल घुटनी का यूज़ किया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो मैश करने के लिए। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है हमारा आलू, अब हम इसको निकाल लेंगे अलग बर्तन में और इसे ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम बेसन का बैटर बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बेसन लिया है, अब हम इसमें हल्दी का पाउडर आधी चम्मच मिलाएंगे, ब्लैक पेपर पाउडर मिलाएंगे आधी चम्मच, आधी चम्मच जीरा हमने मिला लिया है, और यहाँ पर एक चम्मच मिर्च मिलाया है, और यहाँ पर नमक मिलाया है टेस्ट के अनुसार। अब हम इसमें थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल मिलाएंगे और एक चुटकी बेकिंग सोडा, और फिर इन सबको मिक्स कर लेंगे, और फिर थोड़ी थोड़ी पानी दे करके इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैटर रेडी हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो आलू हमारी ठंडी हो चुकी है यहाँ पे, अब इसके गोले बनाएंगे। गोले आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, इसी प्रोसेस से सारे गोले को हम बना लेंगे। तो देखिए गोले तैयार हो चुके हैं, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आलू के गोले को बेसन के बैटर में इस तरह से पोर करेंगे, और फिर एक चम्मच की मदद से हम तेल में डालेंगे, सारे गोले को इसी तरह से तेल में डालेंगे, जितना आ सकता है उतना डालेंगे फ्रेंड्स। और इसे मीडियम फ्लेम में ही तलिएगा और बीच बीच में पलटते रहेंगे। तो देखिए ये लगभग रेडी हो चुका है और कितना अच्छा कलर आया है, अब हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में। और बाकी के भी जो गोले थे इसी प्रोसेस से हम बना लेंगे।
तो देखिए ये भी कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है पक के। अब हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर गर्मा गर्म आलू बोंडा रेडी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आलू बोंडा रेडी हो चुका है और इसे आप सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा घर में। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।